he goes. Not his typical. Not his China Freddy. That's boom boom. Big shot. Will this be taken? It's gone. It's done the distance. Afridi. Gone over point. More runs for Afridi. It's gone. Big shot. Big strike. Afridi has gone flat. And six. Goes back. Cuts. Good shot. Good cricket from Afridi. Narayan pushed to go flat. Is at which he needs to be bowling. Gives the batsman too much time. That one is hit away, and I don't think Marlon Samuels is going to catch that. Things along, and while Shahid Afridi plays his natural game, that's going to take him to 50. Comfortable bowling more at that off stump and not so short. This is short and gets a treatment. Six. Big hit, bringing up the 100 partnership. Slap over extra cover in the end. Out leg before first ball. Three strikes with his 350th one day international wicket. It's in the air and straight in. So far up. Given leg before. Catch it! Gone, that's his fifth. Catch it! And simple. And that's the end of it. Seven wickets for Afridi. मुझे पता है कि अफरीदी ने पाकिस्तान को अगला T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जिताना है. मैं इसको हमेशा इसलिए सपोर्ट करता रहता हूं क्योंकि मुझे पता है वो बड़ा की प्लेयर है. मैं इसलिए रजाक को भी सपोर्ट करता हूं. मैं इसलिए और प्लेयरों को भी सपोर्ट करता हूं बिकॉज मुझे पता है कि लड़के बड़े इंपॉर्टेंट हैं. प्लेयर्स हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, प्लेयर्स हैं तो टीवी राइट्स है, प्लेयर्स हैं तो फॉलोइंग है. तो इसलिए शायद के साथ ये बड़ा अच्छा ब्रेक हुआ, बड़ा अच्छा हुआ. उसने फिटनेस रिगेन की, उसके बॉल में निप आ रही थी आज. आज आपने अगर देखी हो तो बॉल उसका पहुंच रहा था विकेट पे. सो मेरे ख्याल से कि शायद के लिए ब्रेक तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज होगी. और सेकेंडली रियलाइजेशन बड़ी ज्यादा जरूरी थी उसके लिए कि वो किस कैलिबर का प्लेयर हो, पाकिस्तान को कितना मैच जिता सकता है. शायद ने मेरे ख्याल में बड़ा जबरदस्त कमबैक किया है. वन डे का वो बेस्ट प्लेयर है. मैं हमेशा से शोएब एक और बात, मुझे कभी एक और चीज आपने जो बड़ा फर्क देखा आज शाहिद अफरीदी में कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रांग थी पिछले दिनों जो वो मैच उसको सेटिस्फाइड. देखिए अब अफरीदी के बड़ा इंपॉर्टेंट है, अफरीदी को सिर्फ अपनी गेम फोकस करनी है, सिर्फ और कुछ नहीं सोचना. देखिए आप जैसे भी कह रहे थे ना सिकू पे कि शायद कुछ लोग खुश ना हो, देखिए कप्तान यही रहना चाहिए, कप्तान इसी में रहना चाहिए. अफरीदी एज अ प्लेयर सर्वाइव करे, एज अ प्लेयर परफॉर्म करे, अपने क्रिकेट का मजा ले, परफॉर्मेंस देता जाए. देखिए इससे बड़ा स्टार कोई नहीं पाकिस्तान टीम में, वो कप्तान हो या ना हो उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना. तो लिहाजा वो अपनी गेम पे रहे और गेम से ही अपने आप को मनवाता रहे. अच्छा, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अफरीदी एक तो उसकी बॉलिंग है, दूसरा उसकी फील्डिंग है, तीसरा उसकी बैटिंग है. आज भी मुझे थोड़ा सा मुझे ये था कि अफरीदी सो करता आज बड़े सात आउट से बड़ा सो था. अफरीदी का बड़ा नाम है, सो करता आज बड़े सात आउट से बड़ा सो था. अफरीदी का बड़ा नाम है और बड़ी परफॉर्मेंस होती. सो थोड़ा सा वहां पर थक गया, मुझे थोड़ा उसका ये था. फिटनेस अपनी रखे, अपने क्रिकेट का मजा ले, इंजॉय करे क्रिकेट को, अपनी जो तवनाई है वो सिर्फ क्रिकेट पर खर्च करे. क्योंकि अगले आने वाले 1.5-2 साल जितना अपने आप पे स्पेंड करेगा उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर हो. पाकिस्तान अफरीदी की पप्पी लेने की आदत बड़ी पुरानी है. मैं बड़ा मैं मुझे बड़ी करता था मैच के दौरान और उसका हमेशा मना करता ऐसा मत करो. अच्छा मुझे तो खैर मजाक भी कह रहा. वो एक बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा जबरदस्त टीम मैन भी है. बॉडी लैंग्वेज क्यों अच्छी थी उसकी, दो चीजों को ऐसे, एक फिटनेस थी. वो उसने फिटनेस में काम किया ताकि जिसम में जब तकलीफ कम होती है ना तो आप क्रिकेट खुल के खेलते हैं, मजे से खेलते हैं. और दूसरा जब आपके गोल्स क्लियर होते हैं, जब आपके एजेंडा क्लियर होते हैं ना तो उसके बाद आप क्रिकेट एंजॉय करते हैं, उसके बाद आपको हर चीज का मजा आना शुरू होता है.